और ये बुलडोजर मैन के नाम से जाने जाने लगा और उनको गर्वान्वित भी महसूस होते हैं कि लोग मुझे बुलडोजर मैन के नाम से जानते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इस तरह का हत्या के आरोप लगे हैं जी। तो कोई भी आदमी मान लीजिए इधर से भी मरे हैं तो दोनों पर 302 के अंतर्गत मुकदमा चलेगा, क्योंकि अपराध के अभियुक्त जो है वो अपराध माने हत्या का है जी। तो दोनों तरफ से केस होता है, इधर से भी 302 चलेगा, उधर से भी 302, और एक तरफ में पूरा नरसंहार, पूरा घर ही खत्म हो जाता है। तो क्या दोनों में एक एक ही धाराएं होगी या फिर अधिक होनी चाहिए, जिसे देखा जाए तो जनसंख्या ज्यादा है, इधर जनसंख्या कम है, तो धाराओं में भी जनसंख्या होती है या फिर सेम होती है? कानून में यदि आप एक आदमी को मारेंगे तो भी 302 लगेगा जी, और पांच आदमी को मारेंगे तो भी 302 लगेगा। अच्छा, परम की राजनीति गलत है तो धर्म की राजनीति भी गलत है। बिल्कुल सर, ये सैद्धांतिक तौर पर, लेकिन व्यवहारिकता में कुछ नेता का एक ही फॉर्मूला। देवरिया हत्याकांड की अगर बात कर लिया जाए तो पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बन गया है, नरसंहार कह लिया जाए तब भी कम पड़ जाए, क्योंकि पूरे परिवार को एक साथ मार देना ये कहाँ का नियम कानून है। माना कि दोषी है, लेकिन दोष के लिए दोषियों के लिए कानून है, संविधान है, ये मेरा भारत संविधान से चलता है। उस संविधान की गरिमा में रहकर अगर हम कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि क्षति से हम बच जाते हैं। आज हमारे बीच में है चर्चित वकील साहब हैं, जो आप भी जानते हैं कि हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों में टेंड करने लगते हैं कि आपको क्या बताएं। शिवनंदन साहब क्या होता है कि पटना हाईकोर्ट से वकील हैं, इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि क्या लगता है कि ऐसे हत्याओं को कैसे रोका जाता है, और ऐसा हत्या होता है तो क्या एक ही उसका सवाल है बुलडोजर चला देना, ये कौन सी धाराएं में आता है कि नहीं इसको बुलडोजर ही चला देना चाहता है चाहिए। पहले तो स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है सर कि जिस तरह से आए दिन देवरिया कांड को अगर लेकर बात किया जाए तो बहुत काफी तेज ट्रेंडिंग कर रहा है, और देवरिया कांड से काफी लोग दहशत में हैं, तो ऐसा क्या होना चाहिए कि कौन सी धारा में बुलडोजर चलता है, पहले तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दो बातें बहुत मूल रूप से जो आपके प्रश्न हैं जी, इसमें यह है कि एक तरफ हत्या का जो बैकग्राउंड सभी को मालूम है कि एक तरफ से एक लोग मरते हैं, मॉब लिंचिंग का मामला होता है अटैक में, इधर से भी पूरे परिवार के सदस्यों की मौत होती है, इस तरह की बातें आई है जी। अब उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट आक्रोश का जवाब आक्रोश में था। पहले एक जो सदस्य थे उनकी मौत होती है, उनके डेड बॉडी मिलने पर लोग इकट्ठा होते हैं, तो हत्या के जो आरोपी है उनके घर पर हमला होता है, और हमला में जो है सो उनके परिवार के 4-5 लोगों की मृत्यु होती है जी। उसके बाद सरकार में, चूंकि जब इस तरह की वारदात होती है तो पॉलिटिकलाइजेशन हुआ, तो सभी लोग चाहे वो वहाँ की राजनीति पे भी, मौत पे भी राजनीति सर। अब तो राजनीति का देखिए, वो तो हम पॉलिटिकल बयान देते नहीं, हर आदमी अपने किसी भी घटना को अपने पक्ष और विपक्ष और फायदे और नफे और नुकसान से नापते हुए ही चलते, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी। एक और सवाल तो उठता है कि मान लीजिए कि वहाँ का अगर मुख्यमंत्री हो तो उसे राजा कहा जाता है, जब प्रजा में किसी चीज की दिक्कत होती है तो दोनों पक्ष को लिया जाता है, यहाँ राजा आता है तो सिर्फ एक पक्ष पे सवाल उठाता है, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि मेरा बयान ऑलवेज कानून से संबंध में होता है, किसी भी व्यक्ति को पॉलिटिकल बयान देने के लिए पॉलिटिकल तौर पर हर पार्टी के अपने प्रवक्ता है, उसी कानून का देते हैं सर कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तुरंत कहा कि नहीं बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, रोक लगा दिया, इसीलिए मैं आप बिंदु पर जी बिल्कुल। देखिए, अभी जो भारतीय लोकतंत्र में जो अभी एक परंपरा चली है, खास करके यूपी से ही परंपरा चली है कि, और मनोबल बढ़ता भी है जी, कि कानून को एक तरफ ताक पे रखते हुए इनकाउंटर की घटनाएं बढ़ी जी, और ये बुलडोजर मैन के नाम से जाने जाने लगा, और उनको गर्वान्वित भी महसूस होते हैं कि लोग मुझे बुलडोजर मैन के नाम से जानते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इस तरह का रहा है छवि बनाने में, और वो खुद भी इस चीज को स्वीकार करते खुले मन से या मीडिया के माध्यम से भी कई बार मुस्कुराते हुए जवाब दिया है, और अति प्रशंसित भी होते हैं कि बुलडोजर मैन के नाम से जानते हैं। अब जो सवाल ये है कि उसके बाद जब बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या किसी पर कोई आरोप लगते हैं, चाहे वो हत्या को हो या कोई अन्य, तो क्या डायरेक्ट उसके घर को नस्तोनाबूद किया जा सकता है, बुलडोजर से तोड़ा जा सकता है, तो उसके पीछे की कहानी समझिए। सीआरपीसी की धारा जो है 82 और 83 जी, वो एक निर्देश देता है कि पहले किसी व्यक्ति को आप यदि केस में वांछित है तो वारंट निकलेगा, वारंट निकलने के बाद यदि नहीं होता है तो फरार घोषित कीजिए 82 के अंतर्गत, और 83 के अंतर्गत उसके घर की कुर्की जब्ती कीजिए, यानी सामान को सीज कर लीजिए। कहीं वो प्रावधान सीआरपीसी में नहीं है कि किसी के घर को तोड़ दीजिए, ढा दीजिए, खत्म कर दीजिए, वो नहीं। जो
चल संपत्ति होती है समानता, उसको वो वहाँ से लेके चले जाते हैं, कुर्की जब्ती जिसको बोलचाल में करते हैं। दीवार को तो नहीं ढाने का, नहीं ढाने का, लेकिन अब आप देखते हैं कि आए दिन ऐसा क्यों हो रहा है वो समझिए। तो ऐसा अभी इस केस में भी यही हुआ कि इसमें भी लगा कि विदाउट ना तो वारंट निकला ना कुछ, और जनता को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री जी के का एक रहता कि मैंने घर तोड़ दिया तो लोगों को लगता है कि चलो अब कोई हिम्मत नहीं करेगा। तो आनन फानन में वहाँ के तहसीलदार ने एक आदेश दिया और वो बोला कि इस घर को तोड़ा जाएगा। तो तहसीलदार का फंक्शन क्या होता है यूपी में? तहसीलदार यहाँ पर हम लोग बिहार में जो है सो सीईओ होते हैं सामान्यतः, सर्किल ऑफिसर। अब वो वहाँ पर बताए कि उनका जो घर है वो अतिक्रमण है, क्योंकि सरकारी जमीन में घर है तो अतिक्रमण बाद में आप देखते हैं कि तुरंत वो घर को ये हटाने का निर्देश देते हैं जी। तो इस केस में भी यही हुआ कि आनन फानन में वो डिक्लियर कर दिए कि ये जो है वो बदले की भावना में तुरंत होता है कि बिना अपॉर्चुनिटी दिए, बिना समुचित जाँच किए आप कह देते हैं कि ये जी जो है सो अतिक्रमण में ये किया हुआ मकान है, इसको तोड़ दिया जी बिल्कुल। जब तक कि उसको वो चैलेंज करेंगे कहीं अपील में जाएंगे, उससे पहले आदमी को ही तोड़ दिया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में जैसे ही तहसीलदार ने ये आदेश दिया वो चले गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट को बड़ी ताजुब हुआ कि ना तो आपने सीमांकन किया कि कितना पोर्शन इसका जा रहा है जिसको आप खलिहान कहते हैं यानी कि सरकारी भूमि, बिल्कुल बिल्कुल वो आप सीमांकन नहीं किए, ना ही इनको अपॉर्चुनिटी दिया कि अपने सफाई में वो कुछ बोल पाते, तो न सुनवाई न कुछ, डायरेक्ट आप सजा की बात कर दिए। इसी पर वो कड़ी आपत्ति जताते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनको कहा कि इनके मकान को अभी फिलहाल नहीं तोड़ा जाए। तो सरकार के तरफ से वकील साहब का कहना ये हुआ कि नहीं, इसकी आप जुरिडिक्शन पर उठाया कि हाई कोर्ट को डायरेक्ट इसमें अभी नहीं सुनना चाहिए, तहसीलदार के विरुद्ध जो है अपील होना चाहिए, अपीलेट अथॉरिटी के पास डायरेक्ट हाई कोर्ट में इनको नहीं आना चाहिए। तो वो हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है तो इनको हम भेजते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास की वो जाए, लेकिन तत्काल अभी तहसीलदार के जो आदेश हैं उस पर रोक लगाते हैं। तो इसके परिणाम ये हुए कि अभी जो एक पैटर्न चल रहा था अंधाधुंध आँख मूंद कर कि आप जिसको मन हो घर चल उड़वा दीजिए तोड़वा दीजिए, तब सरकार को ये चीज़ भी मैंने अब सदमे में वो भी होंगे कि भाई अब कोर्ट हम पर कड़े तेवर अपना रही है इस तरह की वारदात से, कानून व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास, यूपी में इस तरह की वारदात काफी होने लगी है। हाँ। अतीक अहमद के भी मामले में इनकाउंटर के बाद ये चर्चाएं हुई थी जी। चला भी वहां तो चला भी बुलडोजर चला भी और वो इनकाउंटर की बात मैं कह रहा हूँ कि आपके कस्टडी में था, तो हमारे विकास दुबे की भी बात हुई थी। तो यूपी में इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो है इसका मतलब धज्जिया उड़ाया जा रहा था, लेकिन पहली बार हाई कोर्ट में ये जो है सो चंगुल में फंसे और तो हाई कोर्ट ने अपनी कड़ी आपत्ति जता दी। जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए दोनों तरफ की सर, तो हत्यारे तो दोनों तरफ है, वो भी हत्या किया, तो धाराएं दोनों पे क्या होनी चाहिए सर? देखिए सबसे पहले तो ये कह देना कि हत्यारे हैं जब तक कि किसी भी अपराध का अपराधी साबित नहीं। कांड को लेकर जिस तरह से तो कांड हुआ है, मैं ऐसे अपने से नहीं कर रहा, जिस तरह से कांड को दर्शाया जा रहा है कि नहीं ये हत्या का कांड है, उस बेस में मैं बात कर रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ कि ये हत्या के आरोप लगे हैं जी। तो कोई भी आदमी मान लीजिए इधर से भी मरे हैं तो दोनों पर 302 के अंतर्गत मुकदमा चलेगा, क्योंकि अपराध के अभियुक्त जो हैं वो अपराध माने हत्या का है जी। तो दोनों तरफ से केस होता है, इधर से भी 302 चलेगा, उधर से भी 302। तो एक तरफ एक लोग मरते हैं और एक तरफ में पूरा नरसंहार, पूरा घर ही खत्म हो जाता है, तो क्या दोनों में एक एक ही धाराएं होगी या फिर अधिक होनी चाहिए? जिसे देखा जाए तो जनसंख्या ज्यादा है, इधर जनसंख्या कम है, तो धाराओं में भी जनसंख्या होती है या फिर सेम? नहीं, कानून में यदि आप एक आदमी को मारेंगे तो भी 302 लगेगा जी, और पांच आदमी को मारेंगे तो भी 302 लगेगा। अच्छा, परंतु सजा के बिंदु पर 302 यानी मर्डर में दो सजाएं हैं, दो ही सजा है, या तो आजीवन कारावास होगा नहीं तो फांसी होगा। तो फांसी बहुत ही विकट और विकट परिस्थिति में होती है। तो चूंकि एक से अधिक लोग मरे हैं, बहुत जघन्य अपराध का यदि आरोप बनाया जाएगा तो उसमें कहते हैं लोग प्रेयर करते हैं कि फांसी की सजा दी जाए। लेकिन ये जो इस केस में मॉब लिंचिंग का मामला है, रिएक्शन है, तो दुर्लभ से दुर्लभतम स्थिति का केस इसको साबित करना थोड़ा कठिन होगा। तो इसीलिए ये आप कह सकते हैं कि ये जो आपका मूल प्रश्न था कि धाराओं पर भी कोई अंतर होता है तो वो नहीं, एक आदमी को मारेंगे तो भी, बच्चा को मारेंगे तो भी, बुजुर्ग को मारेंगे तो भी 302 ही लगेगा।
तो उसमें एक ही धारा लगती है, वो 302 है। चलिए बड़ा अच्छा लग रहा है, जिस तरह से अगर देखा जाए तो इस चीज़ को जानकारी हमें जानकर अच्छा लग रहा है कि चलिए हम कहीं जाते हैं नेताओं की बात में आ जाते हैं, राजनीतिक मुद्दा को उठा लेते हैं, ये कहाँ तक से है। चूँकि अगर बात किया जाए तो कानून की प्रक्रिया है, कानून हमारा बनाया गया है और कानून पर भरोसा भी होता है। कानून जज जो जजमेंट करते हैं एक कानून के तहत जजमेंट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि कोई आए बस तुरंत उठा दे कि इस पर बुलडोजर चलवा दीजिए, ये तो राजनीतिक गेम हो गया। मैं राजनीतिक गेम से नहीं एक कानून प्रक्रिया जानना चाहता था। आज आपके सामने क्लियर हो रहा है कि नहीं, उसकी भी धारा है और किसी धारा में लिखा नहीं गया है कि आप बुलडोजर चला सकते हैं। जैसे सर ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया आपके सामने, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो। लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा सर कि जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए सर, एक तरफ पंडित जी हैं एक तरफ यादव जी हैं, तो ऐसा नहीं लगता है सर कि जातिगत मामला को लेकर इस तरह से बात क्यों, हमें जातियों में बाधा जा रहा है, जातियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, हत्या तो सबका जिंदगी अगर बात करें जान तो दोनों लोग का है, चाहे वो पंडित जी हो चाहे यादव जी लो, लेकिन यहाँ पे कुछ राजनेता लोग आके हम पंडित जी के हैं हम यादव जी के, ये क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए क्या होना चाहिए उस पर बात हम लोग ना करके क्या हो रहा है उस पर बात करें तो ये बिल्कुल सर। सभी लोग को पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन वास्तविक में झूठ बोलते हैं लोग। अच्छा, तो राजनीति नहीं करनी चाहिए लेकिन राजनीति कर भी रहे हैं, तो राजनीति है तो जाति है, और यदि जातिवाद गलत है तो धर्मवाद भी गलत है। जी बिल्कुल सर, करेक्ट सर। तो एक तरफ आप कहेंगे कि देश में हिंदू एक हो जाओ मुस्लिम एक हो जाओ जी, तो वहाँ पर वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। एक तरफ आप कहेंगे कि नहीं जाति की राजनीति गलत है, तो यदि जाति की राजनीति गलत है तो धर्म की राजनीति भी गलत है। बिल्कुल सर, ये सैद्धांतिक तौर पर, लेकिन व्यवहारिकता में कुछ नेता का एक ही फॉर्मूला होता है कि क्या करेंगे कि वोट बनेगा। सत्ता में बने रहने के लिए लोग अपने चीजों को देखते हैं कि हमारा वोटर किस चीज में खुश है वही काम करेंगे, तो है तुझको जो पसंद वही बात करेंगे। ये तो बढ़ावा देना हो गया ना सर, एक तो बढ़ावा देना होगा। हम जातिगत अगर बात कर रहे हैं तो बढ़ावा, अगर हम यादव के तरफ अखिलेश यादव जी आके यादव के तरफ खड़े होता है तो उसका पावर एक अलग होता है। जैसे पंडित जी कह दे कि मैं अखिलेश यादव से नहीं मिलूंगा, अखिलेश यादव हो चाहे योगी महाराज हो, वो तो सबके हैं, लेकिन न मिलना मिलना ये तो राजनीतिक मुद्दा हो गया। देखिए अब इस पर मैंने कहा, हालांकि कहना नहीं चाहिए जी, सरकार सबकी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन सरकार किसको अपना मानती है उस पर निर्भर करता है। नरेंद्र मोदी जी सबके हैं बिल्कुल, लेकिन नरेंद्र मोदी जी किसको मानते हैं अपना, वो तो उनके विवेक पर होता है ना जी, जी। तो वो तो राजा के ऊपर, राजा तो हमारे हैं लेकिन राजा के कौन है उस पर निर्भर होता है जी। तो वो सब परिस्थिति है और वो वास्तविक चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पर जो है सो हर चीज का जातिवाद भी है धर्मवाद भी है। तो उसके जो नेता होते हैं वो अपना रोटी सेकने से कितना भी आप कुछ कह दीजिए, ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है सर? अब आए दिन अगर देखा जाए तो अगर कुछ नहीं अगर कानून का प्रक्रिया सही नहीं चलता है तो ऐसी घटना बढ़ती जाएंगी, तो रोका कैसे जा सकता है कि ऐसी दोबारा घटना ना हो? देखिए रोकने के उपाय, यदि आप अपराधियों का मनोबल इसलिए बढ़ता जा रहा है जी, तो उनको लगता है कि बड़े आसानी से हमारी बेल हो जाती है जी, तो बेल को रोकने का जो तरीका है, बेल लोगों को नहीं मिले तो अनुसंधान कर्ता जो होते हैं पुलिस जी, उनको बहुत ट्रेंड रखना होगा कि साक्ष्य के तौर पर आप ऐसे चीजों को आप इकट्ठा कीजिए जिससे बेल में कठिनाई हो जी। तो जिस तरीके से आप कोयला के खान से ही हीरा निकलता है बिल्कुल सर, और हीरे की पहचान जाहुरी को होती है कहा जाता है बिल्कुल, नहीं तो आप कोयला उठा के लेके जी, जी बिल्कुल सर। ठीक उसी तरीके से अनुसंधानकर्ता के पास जो साक्ष्य का बहुत सारा चीज है, उस कोयले की खान में से हीरा चुनने की कला जिसको है उसी आधार पर सजा होती है। तो प्रायः केस में हम लोगों ने देखा कि अनुसंधानकर्ता कोयला ज्यादा इकट्ठा कर ले हीरा छोड़ दिए, यानी कि उसका लाभ अभियुक्त को मिलता है। क्या पब्लिक को कानून का डर नहीं है सर? जब बेल हो जाएगा तो डर की संख्या कमेगी। तो आखिर इसको बेल का भी तो प्रक्रिया होगा कि नहीं, इसको ऐसा रोका जाए कि कम से कम ये तो एहसास हो जाए कि नहीं हम कानून के तहत काम कर रहे हैं और कानून हमारे पे दबाव डाल रहा है। देखिए कानून पर आस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन जो है वो यदि दबिश बढ़िया से करे, और सजा का रेट देखिए, गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होता है, गिरफ्तार के बाद आप सजा कितने लोगों को दिलाते हैं वो उसके काबिलियत पर निर्भर करता है। बिल्कुल सर, तो सजा का रेशियो देखना होगा, यही चीज बनोगे ठीक है। चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे जान के, और आप लोग भी इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।